गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर 74 फॉर बोथ मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। आज का टॉपिक है परमानेंट सेटलमेंट, लेसन नंबर 10 से। आपका नेक्स्ट टॉपिक आज रहेगा परमानेंट सेटलमेंट के विषय में, जो कि स्थायी बंदोबस्त हम उसे कह सकते हैं। बंगाल के अंदर इसी स्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्तमरारी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल के अंदर लागू किया गया था। इसका मतलब है, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब यह है स्थायी समझौता, यानी किसानों के साथ में डायरेक्टली ये समझौता ना करके जमींदारों के साथ में डायरेक्टली समझौता था। इसमें एक बार समझौता होने के बाद उसको परमानेंटली सदा के लिए उसको लागू करना था। इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले ही सोच लिया था कि जो टैक्स का दर होगा वो, यानी लगान होगा, वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उन्हें डर था कहीं किसानों की उपज आगे बढ़ ना जाए और कहीं उस बचत के अंदर उनका कोई हिस्सा उन्हें ना मिले। इसलिए ये अपनी जो लगान की दर है उसको पहले ही बढ़ाकर रख रहे थे। इसलिए किसानों पर थोड़ा ओवर बर्डन महसूस हो रहा था। इसके अंदर जो परमानेंट सेटलमेंट है 1793 में बंगाल के पूरा कंप्लीट बंगाल के अंदर इसको लागू किया गया था। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा का प्रांत कंप्लीट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर कंट्रोल आ चुका था, क्योंकि 1757 और 1764 की लड़ाई के अंदर बिल्कुल क्लियर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता है। अब उसने अपने सभी तरीके से राजनीतिक नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये उसका सबसे पहला आर्थिक नियंत्रण था, यानी भारत के अंदर आर्थिक नियंत्रण उसने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिवेन्यू टू बी पेड बाय ईच जमींदार। उसने प्रत्येक जमींदार के साथ में भू राजस्व की एक निश्चित दर सुनिश्चित कर दी। उसके अकॉर्डिंग ही उनसे भू राजस्व लिया जाता था। एंड दोज हु फेल टू पे द रिवेन्यू वर डाइवर्टेड देयर एस्टेट। और जो भी जमींदार अगर किसी कारणवश अपनी टाइम से वो टैक्स कलेक्शन किसानों से नहीं कर पाते हैं, या टैक्स कलेक्शन नहीं करके और इकट्ठा ना करके और वो गवर्नमेंट को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा नहीं कराते हैं, तो उनकी जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी, जिसे इंग्लिश में एस्टेट कहा जाता है। उस एस्टेट को नीलाम कर दिया जाता था, उस पर ऑक्शन होता था, और जमींदार इसके अंदर अगर वह निश्चित धनराशि उसके लिए पे करता है तो वो उसको जमींदारी मिल सकती है, और अगर किसी कारणवश से वह उसकी निश्चित धनराशि उसको नहीं दे पाता है तो वह जो ऑक्शन है वह किसी दूसरे के नाम भी जा सकती है। यानी नीलामी के अंदर अगर कोई सर्वोच्च बोलीदाता को के नाम पे प्रॉपर्टी छूटती है तो वही प्रोसेस उस समय था। लेकिन जमींदारों ने एक इस तरह की व्यवस्था कायम कर रखी थी समाज के अंदर कि उन्होंने अपने ही किसी रिश्तेदार को वो इस नीलामी के अंदर खड़ा कर देते थे और अपने ही रिश्तेदार को ऊंची बोली वो छुड़वा लेता था, लेकिन उस ऊंची बोली को छुड़वाने के बावजूद वे उस पेमेंट को भरते नहीं थे और अंततः उसी किस जमींदार के पास में वो पहुंच जाती थी। ये कुछ इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग ये कुछ नेगेटिव परिणाम इसके सामने आते हैं। वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो ये जो स्थायी बंदोबस्त है ये अव्यवहारिक इसलिए भी था क्योंकि उस समय किसानों की बचत इतनी नहीं हो रही थी और उसकी बचत से बहुत ज़्यादा, यानी पहले ही इस लगान को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि किसानों की कमर तोड़ दी थी। इससे आर्थिक हालात, किसानों को असंतोषजनक हालात में जीना पड़ा। इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें विद्रोह होने के चांसेस पैदा किए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है अमेरिकन सिविल वार। अमेरिकन गृह युद्ध की बात यहाँ पे की गई है। 1860 के पहले की सिचुएशंस के बारे में मैं बताता हूँ। इसके अंदर हम क्या टॉपिक लेके चलेंगे, अमेरिकन जो सिविल वार है उसने दक्कन के रैयत के बारे में, या इंडिया के जो किसान हैं उनको, खास तौर पे दक्कन के किसानों को इससे बेनिफिट हुआ था जब यहाँ पे अमेरिकन सिविल वार हुआ। 1860 के दशक से पहले बहुत अच्छी सिचुएशन में था अमेरिका। अमेरिका बहुत अधिक मात्रा में कपास का निर्यात ग्रेट ब्रिटेन को करता था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को जो कपास वहाँ भेजी जाती थी उसके अंदर एक तरह से 97-98% तक उसका हिस्सा होता था अमेरिका का। अमेरिका पूरी तरह से उसमें एक तरह से आत्मनिर्भर था और उसको निर्यात करने के दौरान काफ़ी हद तक बचत होती थी।
अब इस बात का पता ग्रेट ब्रिटेन के अंदर वहाँ पे लगी हुई कपास कंपनियों को भी था, वहाँ मिलें जो काम कर रही थी उनको भी था। उनको पता था अगर ये अमेरिका की कपास किसी कारणवश से उनके पास नहीं पहुंची या किसी बाध्यता के तहत उसको रोक दिया जाता है या युद्ध हो जाता है या गृह युद्ध हो जाता है जिसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि माल आना बंद हो जाए तो हमारी कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने विकल्प तलाशना शुरू किया और उनका अंततः विकल्प इंडिया की तरफ रुख कर गया। इंडिया को वो एक भावी बाजार के रूप में उसको देख रहे थे और जहां से कच्चे कपास की जो निर्यात थी, निर्यात वहां से किया जा सकता था। तो 1860 के दशक की सिचुएशन ये थी कि अमेरिका इसमें निर्यात में जो कपास के निर्यातक देश थे उनके अंदर सर्वोच्च था और ग्रेट ब्रिटेन को अधिकतम निर्यात वहीं से होता था। अब भविष्य के अंदर ग्रेट ब्रिटेन के जो कंपनी मालिक थे, अब उनको महसूस होने लगा कि किसी भी तरीके से हम जो हम अपने विकल्प को चेंज करें, यानी अमेरिका की बजाय किसी दूसरे देश को, दूसरे देश से हम कच्ची कपास को मंगवाना शुरू करें। उनको इंडिया इस चीज़ के लिए मुफीत नज़र आया और काफ़ी उनको लग रहा था कि ये देश उनकी इस तरह की डिमांड को पूरा कर सकता है। इसलिए उन्होंने इस तरह का संदेश इंडिया में जो कपास निर्यातक व्यापारी थे उनके पास पहुंचवाया। कपास निर्यातक व्यापारियों ने क्या किया, आसपास के जो बंबई के आसपास के जो गांव थे उनके अंदर, बंबई के अंदर जमींदारों के पास, साहूकारों के पास ये मैसेज भिजवाया। एडवांस में पेमेंट जारी करने लगे, किसानों को एडवांस पेमेंट दे दी गई, उनको उधार दे दी गई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उनको उधार में पैसा मिल रहा था, वो जितना चाह रहे थे उतना लोन उनको एडवांस में मिल रहा था। तो इससे उनको लगा कि बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसलिए उन्होंने जितना रकबा पहले बोया जाता था कपास के लिए, जितनी क्षेत्र की बुआई की जाती थी उससे दुगना बुआई होने लगी और उसको बार बार सर्वेक्षण करवाया गया वहाँ के कपास व्यापारियों के द्वारा और अच्छी कीमत कपास की उन लोगों को दिलाई गई। तो 1861, 1862, 1863 और 1864 इसी तरह की सिचुएशन रही इंडिया ने उस दौरान, यानी 61 से लेकर 64 तक 4 साल हमारे देश की जो कपास है वो ग्रेट ब्रिटेन जाती रही और एक तरह से हमारे देश के जो कपास निर्यातक व्यापारी थे वो ये सोचने लगे, इस तरह के सपने लेने लगे कि अगर भविष्य में हम एक छत्र राज अगर इसमें हमारा हो जता है तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि जो तारे थे 1861 से 64 के दौरान भारत की सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी थी। प्रत्येक किसानों को ऐसा महसूस होने लगा था कि हम 61, 62, 63, 64 जैसी सिचुएशन परमानेंटली सदा के लिए बना के रखेंगे। उनको लगने लगा था कि 90% जो कपास का निर्यात है वो इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन को हो रहा है तो ये सिचुएशन शायद सदा के लिए बनी रहेगी, लेकिन ये चीज़ परमानेंटली नहीं बनी रही। किसानों के लिए 4 साल बहुत अच्छे गए, एक तरह से एडवांस में उनको उधार जो है वो परमानेंटली उनको मिल रहा था, उनको एडवांस में पेमेंट भी मिल रही थी और वो उसको टाइम से भर भी पा रहे थे, उत्पादन भी काफ़ी हो रहा था, उसको अच्छे दामों में खरीदा भी जा रहा था, निर्यात व्यापारियों को बड़ा मुनाफा हुआ। लेकिन सब जगह के किसानों को बराबर लाभ नहीं हुआ। जो एडवांस पेमेंट की बात है, एडवांस पेमेंट सिर्फ 4 साल तक उनको मिलता रहा। 1865 में सिचुएशन फिर उलट हो गई। अमेरिका के अंदर जो कपास निर्यात नहीं हो रहा था गृह युद्ध की वजह से, अब वो गृह युद्ध समाप्त हो गया था 1865 में और 1865 के गृह युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद वहाँ सिचुएशन फिर बदल गई और वो सिचुएशन ऐसी रही कि उसके अंदर कपास का उत्पादन वो फिर दोबारा से करने लगे और ग्रेट ब्रिटेन को फिर निर्यात करने लगे। अब इंडिया से जो कपास जा रही थी उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती चली गई, यानी निर्यात जितना हम माल कर पा रहे थे वो उसकी मात्रा घटती गई और अमेरिका से जो निर्यात की मात्रा थी कपास की जो ग्रेट ब्रिटेन को जाती थी वो बढ़ती चली गई और हमारा एक तरह से इम्पैक्ट जो था व्यापार पर उसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ा। हमारे यहाँ के जो किसानों को एडवांस पेमेंट मिलती थी या एडवांस में लोन उनको मिल जाता था वो चीज़ें अब बिल्कुल बंद हो गई और किसानों को फिर उसी हालात में फिर लौटना पड़ा और अब इस तरह की जो सिचुएशन है वो परमानेंटली नहीं हो पाई। इसके अंदर हम इसको यहीं से देखते हैं एक बार, अमेरिकन सिविल वार अफेक्ट द लाइव्स ऑफ रैयत्स इन इंडिया। इसमें अमेरिकन गृह युद्ध ने पूरी तरीके से भारत के अंदर रैयतों के जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया, यानी इसका कुछ अच्छा कुछ खराब असर देखने को मिला। ज़्यादातर 4 साल के दौरान अगर हम अनुभव देखें 61 से 64 तो वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव रहा। बिफोर द डिकेड ऑफ 1860s, 1860 के दशक से पहले अमेरिका का जो व्यापार था
ग्रेट ब्रिटेन के साथ कपास को लेकर, क्योंकि कपास का बहुत बड़ा निर्यातक देश था अमेरिका, और ज़्यादातर जो ग्रेट ब्रिटेन को के मिलों के अंदर या कपास की जो कंपनियां थी वहां पे जो कंपनियां लगी हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की, तो वस्त्र उद्योगों को कच्चा माल अमेरिका से मिलता था। ब्रिटेन इम्पोर्टेड 3/4 ऑफ इट्स कॉटन फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से 3/4 भाग वह कुल कपास का आयात करता था। यहाँ से पता चल रहा है कि ग्रेट ब्रिटेन की सिचुएशन कैसी है और अमेरिका की सिचुएशन कैसी है। अमेरिका यहाँ पे निर्यातक है और आयातक कौन है? ग्रेट ब्रिटेन। कॉटन सप्लाई एसोसिएशन 1857, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के अंदर यानी इंग्लैंड के अंदर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, कपास आपूर्ति संघ का निर्माण 1857 में किया गया। इसका मतलब है कि जो सप्लाई एसोसिएशन का काम ये रहेगा कि कपास की जो कहीं से भी उसको मंगवाना पड़े वो उसे मंगवाएंगे। 1857 में इसे मंगवाया गया, यानी 1857 में एक संस्था गठित कर दी गई। यहाँ पे साफ साफ इसका नाम देख रहे हैं आप, कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, इसको कपास आपूर्ति संघ कहा जाता था। 1857 में इसकी स्थापना की गई। इसके बाद मैनचेस्टर कॉटन कंपनी वाज फॉर्मड इन 1859, 1859 में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग वहाँ पे स्थापना की गई और कपास की जो आयात की डिमांड थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। अमेरिकन सिविल वार ब्रोक आउट इन 1861 1861 के अंदर, क्योंकि 1860 से पहले के दशक की सिचुएशन हम बता चुके हैं, 1861 के अंदर सिचुएशन एकदम बदल गई। अमेरिका से जो गृह युद्ध की खबरें हैं 1861 में आने लगी, यानी गृह युद्ध वहाँ पे शुरू हो गया। जब राजनीतिक संकट खड़ा हो जाता है तो दूसरे देशों के व्यापार पर बहुत बुरा असर होता है और आयात और निर्यात ध्वस्त हो जाते हैं, यानी इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरह प्रभावित होती है। वही अमेरिका के साथ हुआ। इंपैक्ट ऑफ द अमेरिकन सिविल वार ऑन द रायट्स लिमिटलेस क्रेडिट, इसके अंदर हमारे इंडिया के लिए यह बताया गया है कि हमारे भारतीय किसानों को अमेरिका के गृह युद्ध से बड़ा फायदा हुआ, यानी मतलब लिमिटलेस क्रेडिट का मतलब है काफ़ी बहुत बड़ा फायदा हुआ। किस तरह से 100 रुपीज़ इन एडवांस के खेत को बुआई के लिए या कपास के खेत की बुआई के लिए 100 रुपीज़ उन्हें एडवांस में मिलते थे सभी किसानों को साहूकारों की तरफ से या फिर कपास निर्यातक व्यापारियों की तरफ से। लॉन्ग टर्म लोन्स, उन्हें लंबी अवधि के लिए उनको लोन दे दिए जाते थे, जबकि पहले ऐसा नहीं था, 1860 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्हें लंबी अवधि का ऋण मिल रहा था, यानी अगर 1 साल 2 साल के लिए वो ले सकते थे फिर बाद में डिपॉजिट कर सकते थे। डिड नॉट बेनिफिट ऑल द रैयत, सभी किसानों को बराबर फायदा नहीं हुआ, कुछ धनी किसानों को इसमें ज़्यादा फायदा हुआ, गरीब किसानों को इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि गरीब किसान थोड़े खेत बोते थे, उनकी बचत कम होती थी। इन 1865 अमेरिकन सिविल वार केम टू एन एंड, 1865 में अमेरिका गृह युद्ध जो है वो बिल्कुल समाप्त हो गया। इसके बाद देयर अगेन बिगेन एट प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, वहाँ पे कपास का की जो उत्पादन क्षमता थी वो फिर दोबारा से बढ़ गई और जो सिचुएशन 1860 से पहले थी वही सिचुएशन फिर दोबारा लौट आई। अमेरिका से फिर व्यापार बढ़ता चला गया, यानी कपास वहाँ से मंगवा ली गई और इंडिया से घटती चली गई। अब टॉपिक नंबर 3 है, प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग ऑफिशियल सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्स, भारतीय किसानों के इतिहास या फिर किसी भी तरह से हम अगर किसानों के इतिहास को लिखने बैठते हैं या उसके लिखते हैं तो सरकारी स्रोत जो हैं वो उनको सावधानीपूर्वक क्यों देखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये समस्या रहती है कि उस समय अगर हम देखें उपनिवेशवादी शासन के दौर के दौरान अंग्रेज अपनी कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर कभी रैयतों ने विद्रोह किया हो तो उसमें रीजन अपना खुद का नहीं देते थे, जैसे कि किसान दक्कन दंगा जब वहाँ पे हुआ तो दक्कन दंगा आयोग गठित किया गया था। दक्कन दंगा आयोग ने ये सिफारिश उसमें पेश की कि किसानों ने जो विद्रोह किया वो उपनिवेशिक सरकार की वजह से नहीं हुआ, वो वहाँ के साहूकारों और जमींदारों की वजह से हुआ है। तो इस तरह की समस्या के अंदर जो सरकार के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जो कमियाँ निकलती हैं वो कमियाँ छुपाने का प्रयास किया जाता है। और इसके अंदर ये बताया गया कि जो किसानों को होने वाली जो समस्याएँ थी, किसानों का जो शोषण हो रहा था, बहुत ज़्यादा उनके साथ शिकायतें आ रही थी, वो सब उन्होंने दरकिनार करते हुए अपने पक्ष को उन्होंने मजबूत रखा। प्रॉब्लम्स ऑफ यूजिंग ऑफिशियल सोर्सेज इन राइटिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट्स, यहाँ हम सरकारी स्रोत को अध्ययन कर सकते हैं तो वो एकमात्र हमारे पास में एक विश्वसनीय दस्तावेज तो है, लेकिन उसको सावधानीपूर्वक नहीं करेंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियाँ निकल के आए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ कमियाँ हमारे सामने नजर आ रही हैं।
आपको ये सभी तीनों टॉपिक्स आपको खूब अच्छे से समझ में आए होंगे। पहला टॉपिक आपका परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में एक लंबी अवधि तक के लिए एक समझौता किया गया था जमींदारों के साथ में। दूसरे में हम अमेरिकन गृह युद्ध की बात पे आएंगे, जो 1860 के दशक से पहले अमेरिका बहुत बड़ा निर्यातक होता था कपास का, और उसके बाद में 4 साल तक वहां पर गृह युद्ध की सिचुएशन रही। 1861 से 64 तक वो निर्यात नहीं कर पाया, इंडिया ने उसको उसकी जगह पर निर्यात करना शुरू कर दिया, और जो बचत अमेरिका को हो रही थी वो इंडिया को होने लगी। लेकिन ऐसा सदा के लिए नहीं हुआ। 1865 में फिर सिचुएशन खत्म हो गई, गृह युद्ध खत्म हो गया, फिर दोबारा से अमेरिका अपनी उसी पोजीशन पे आ गया। इससे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनको बड़ी सावधानी से किसानों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज करना चाहिए, यह हिदायत दी गई है। धन्यवाद।